नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर शहर के जनगंज थाना क्षेत्र के गेंडेवाली सड़क पर स्थित प्रजापति मोहल्ले में गणेश चतुर्थी में आरती के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें हमलावर पक्ष ने लाठियों और तलवारों से कुछ लोगों पर हमला कर दिया। इसमें माँ और बेटे सहित तीन लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार बना हुआ है। घायल जितेंद्र यादव, उसकी माँ उर्मिला देवी और उन्हें बचाने की कोशिश करने वाला जसपंत भिलवाल घायल हुए हैं। उनके सिर, हाथ और पैरों में चोटें आई है। हमलावरों में परवेज नाम का भी एक बदमाश है जो फरार है, जबकि सलमान, इरफान और छोटू को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल जसवंत भिलवाल ने बताया कि गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रजापति मोहल्ले में प्रतिमा का स्थापना की गई है। यहां सोमवार रात को आरती हो रही थी, इसी दौरान परवेज और अन्य लोग वहां आ गए और साउंड की आवाज को कम करने को कहा, इसी को लेकर विवाद हुआ था। मेरा नाम लीना है। क्या घटना हुई थी, क्या हुआ था? हम लोग आरती कर रहे थे तो इनने पत्थरबाजी की, फिर हम लोग मोहल्ले वालों ने बीच बचारा कर दिया। फिर जी ऊपर जाके सीधे तलवार ववार निकाल के लाए, इनने मेरे हस्बैंड के सीधे सिर में तलवार मार दी। मेरी सासू माँ को मारा है। मेरी सासू माँ का नाम उर्मिला है और आपके पति का जितेंद्र यादव। और ये तीसरी कौन थी? वो बचाने नहीं आए थे, वो वहीं पे खड़े थे आरती में, तो उनने मारा उनको। अच्छा, तीन लोग घायल हैं। तो वजह क्या थी, क्या क्यों उन्होंने ऐसा किया? आरती कर रहे थे उसकी, गणेश जी की, गणेश जी का पंडाल लगा। हाँ, तो ये क्या मतलब, क्या विरोध क्या कर रहे थे, क्या पत्थरबाजी? अब ये मुझे नहीं पता, वो तो आरती कर रहे थे तो उन्होंने सीधा बस हमला किया है बस। कोई रीजन तो होगा, वजह होगी क्यों हमला करने की? कुछ वजह नहीं थी। कहाँ की घटना है? कहाँ की घटना? गेंडे वाली सड़क। मेरा नाम सचिन राजपूत है। सचिन जी, कैसे, क्या घटना हुई, क्या हुआ था? रात्रि 9:20 की लगभग समथिंग बात है, मेरे पास कॉल आया था कि जीतन, मतलब मेरा उपकार करता है हमारा, मैं तो उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, कुछ असामाजिक तत्व मिलते हैं उनको। तो हमारी प्रजापति गली है, उसमें गणेश जी का वो रखा गया था उनका, तो उनकी आरती का समय हो चुका था। तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने आरती रखी थी, वो चल रहा था, गाना बजाना हो रहा था। तो कुछ मुसलमान आए, मतलब असमंद तत्व आए, उन लोगों ने आकर बोला कि इसको बंद करो। तो उसमें हमारा जीतन भैया आया, जीतन यादव, उन्होंने बोला ये आप क्यों ऐसा कर रहे हो, ये तो 7 दिन का माहौल है, आप कर नहीं दीजिए, अच्छा सब वो है, आप भी बोलिए। लेकिन बोल नहीं माने, तू ज़्यादा बोल रहा है, तेरे में लेके उन्होंने लेके सीधे पहले लठ मारा तो उसका सिर बनाया, उसके बाद में उन्होंने लेके सीधे उसके तलवार पर मार किया। उसके बाद में फिर उनकी माता जी गई तो उनकी माता जी को भी उन्होंने तबीयत से मारा, उन्होंने लाठी मारी। फिर उन्होंने एक अपने छलवार जी हैं, छलवार जी ने काफ़ी संघर्ष किया, उन्हें बचाया तो उन्होंने छलवार जी की भी उनकी तलवार मार दी, तो उनकी उंगली यहाँ से है। फिर बजरंग दल को जैसे ही खबर मिली, बजरंग दल तुरंत गया, बजरंग दल ने एक्शन लिया, थाने गया, थाने लेके उनके यहाँ पे इसको टाउन हंडर एंट्री कराया। कितने लोग हमलावर थे उसमें? 4 लोग थे। क्या का नाम है उनके? उनका नाम है अपना, एक परवेश खान है, एक इरफान खान है, एक सलमान खान है, एक छोटू खान है, उसको छोटू या खान बोलते हैं। ये इसमें से तीन लोग, तीन आरोपी ऐसा बताया जा रहा है कि गिरफ्तार हो गए, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है कि हमको दिखाया भी नहीं गया ना बताया गया अभी तक, हम संतुष्ट नहीं है। परवेश खान फरार है। परवेश खान ने सुबह जब जा रहा था, ऐसी जानकारी है किसी कार्यकर्ता द्वारा, तो वज्र के पुलिस वाले खड़े हुए थे, उन्होंने बोला कि सर ये, मतलब ये भाभी ने बोला था, जितने ज़्यादा की घरवाली ने बताया कि ये आरोपी है परवेश खान, इसको आप अरेस्ट कीजिए। तो माँ के कोई कॉन्स्टेबल ने बोला कि हमारी ये ड्यूटी नहीं है, हमारी ये ड्यूटी नहीं है, पकड़ने वाले कुछ और लोग हैं, हम नहीं ये पकड़ पाएंगे। परवेश खान ने अपना बैग लिया और तुरंत निकल गया। घायल कितने लोग हैं? घायल 3 लोग हैं। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि, हमारा निवेदन यही है प्रशासन से कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ऐसे आरोपियों को, जो कि हमारे धर्म लोगों को, मतलब हम चाहे गणेश जी बैठाने चाहे माता, ये लोग असमय तत्व कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं कि हिंदू समाज के ऊपर एक प्रसन्न मतलब बना दिया है, लोगों ने लगाते देते हैं, ये गलत है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम लोग कभी ताइयों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन ये लोग जब भी हमारे माता गणेश जी बोल बैठते हैं और ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं कि हाँ प्रशासन क्या पूरा मामला रहा है, कुछ लोग घायल हुए हैं ये बताया जा रहा है। गेंडे वाली सड़क जो है वहाँ पे थाना जनकगंज लगता है, वहाँ पे कल एक विवाद हुआ था जिसमें 4 व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई थी, जिसमें 3 लोगों को चोट लगी थी, एक महिला भी शामिल थी।
सिर पे चोट को देखते हुए इसमें 307 की धारा बढ़ाई लगाई गई है और इसमें से अभी 3 आरोपी पकड़ लिए गए हैं और ये पुलिस ने तत्काल मौके पर जाके कार्रवाई की थी। अभी वहाँ पर शांति है और सिचुएशन इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। विवाद की वजह एक दूसरे को कुछ टॉन्ट करने की बात पर से आई है, वो झांकी पर कुछ आरती चल रही थी, उसके बाद से बातचीत हुई जिसमें एक दूसरे के खिलाफ कुछ कहा गया और उस पर से उनका विवाद होने लगा, मुवाद पहले हुआ उस पर से मारपीट हो गई। इसमें बाकायदा सभी को एक लिस्ट बना के इनके सबको वेरीफाई करके उसमें जो समिति वाले लोग हैं उनसे बात करके उनके क्या कार्यक्रम रहेंगे, कहाँ आना जाना है, ये सारी चीज़ें भी बात करने को कहा गया और लगातार उनका राउंड लेने के लिए भी पार्टी लगाई गई। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।